मैं गारंटी देता हूं कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। और मैं इस चैनल पर मैथ मंडी पर 2-3 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, 3 दिन के लिए मैं बाहर गया था लंबी यात्रा पर, और उस लंबी यात्रा के दौरान मेरा ये सब सेविंग वगैरह भी नहीं हो पाया। दाढ़ी वाढ़ी देख रहे हो ना, बेकार सा लग रहा होगा आपको भी, लेकिन कोई बात नहीं, आज आते ही मैंने सोचा कि आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए और आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हो, मुझे पता है। तो यार इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना, इसमें करना क्या है मैं वो बताने वाला हूँ, फिर उसको करके दिखाने वाला हूँ। इसको समझ लो घोल के पी जाना है। अगर घोल कर पीने में कहीं से अटकता है, नहीं अंदर जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं ऐसा तरीका बताऊँगा कि यार आपको 100% अटकेगा नहीं, 100% आप इसको गटक जाओगे। देखो कैसे काम करना, इसके और इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। ये त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है। मैं इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा मन मान नहीं रहा था, मेरा हृदय कह रहा था यार इसको फिर से बताओ बच्चों को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस नाते बता रहा हूँ, ठीक ना। तो बड़े ही गौर से देखना, मज़ा आने वाला है। कुछ नहीं है इसमें, केवल सवाल दिख रहा भारी भारी, लेकिन काम बड़ा आसान है। देखो इसके और इसके, ये रेखा ये भी रेखा है, ठीक है ना, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A1, B1, C1 का मान हम इस पहले वाले रेखा से निकालेंगे, 2 है 5 है -3 है। नीचे वाला केवल लेंगे, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, तो 2, 5 -3। अब एक छोटी सी लाइन खींच लीजिए थोड़ी दूरी पर, अब यहाँ लिख दीजिए A2, B2, C2, लिख दिया आपने। अब हम रेखा 2 के पास चलते हैं, यहाँ पर भी नीचे वाला ले लेंगे, तो हो जाएगा A2, B2, C2, ठीक है ना। ये हो गया -1, 8 और 4, क्लियर है। आप लोग इतना तो कर लेंगे, इतना तो कक्षा 3 का लड़का भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो देख करके लिख लेगा A1, B1, C1 और A2, B2, C2। अब आप इंटर के हो, आप क्या करने वाले हो, दोनों के बीच का कोण याद करना है। तो यार ये सूत्र याद रखना केवल, बस सूत्र भी स्टाइलिश है। कैसे स्टाइलिश है, मॉड के अंदर हम लिखेंगे AA+BB+CC, क्या है AA+BB+CC, बटे के नीचे 2 बार कर्णी बनाएंगे, क्या बार, 2 बार, 2 बार क्यों, क्योंकि 2 रेखा है। यहाँ मार्ड को बंद कर देंगे, अब यहाँ 1-2 लिखेंगे, यहाँ 1-2 लिखेंगे, यहाँ 1-2 लिखेंगे, ऊपर वाला तैयार, ठीक है। फिर अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A+B+C, यही चीज़ इसमें भी लिख दो A+B+C। अब दोनों में एक ही चीज़ नहीं लिखना भैया, क्या करना है, यहाँ 1, 1, 1, यहाँ 2, 2, 2, अब सबके ऊपर स्क्वायर, 2-2 घात लिख दिया, फार्मूला तैयार। एकदम से आसान तरीके से, एकदम गधा दिमाग वालों के लिए है ये, कुछ नहीं जिनको आता उनके लिए तरीका है ये। देखो इतना हो गया, फार्मूला याद भी हो जाएगा, ऐसे लिखोगे तो गलती भी नहीं होगी, साफ सुथरा रहेगा। अब आपको हल करना कैसे, cos थीटा को जहाँ है वहीं रहने दो, बराबर माड जहाँ है वहीं रहने दो। A1 का A2 में गुणा करना है, तो A1 का मान और A2 का मान यहाँ ला के रखने से बढ़िया है कि A1 का मान 2, A2 का मान -1, इसीलिए मैंने सामने सामने लिखा है, गुणा करने में आसान रहेगा, यहीं कर लो, 2 × 1 - 2, B1 B2 कर लो, 5 × 8 = 40, C1 C2 कर लो, -3 × 12 - 12, बटे में कितना भाई, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, इसका तीनों का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 3 का -3 का स्क्वायर 9,
तो देखो 4 और 25 हो गया कितना, 4 और 25 हो गया 29, 29 में 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 38, तो करड़ी में 38, ये -3 का स्क्वायर +9 होता है ना। अब देखो 8 2 बी 2 सी 2, तीनों का स्क्वायर करना है, 8 2 बी 2 सी 2, -1 का 1 होगा, 8 का 64, 64 एक 65, 65 इसका हो जाएगा 16, 65 में 16 जोड़ेंगे तो 81, मार्ड को कर देंगे बंद। अब देखिए 40 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा कितना 38, 38 में से 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 38 में से 10 घटा लो तो हो जाएगा कितना भैया 28, और 2 और घटा लो तो जाएगा 26, ऊपर हो गया कितना 26 हो गया। एक बार फिर से देखो 14 घटेगा सीधा इसमें से, 44 में से 10 गया 30 और 4 गया तो 26, क्लियर है ना। तो कार थीटा बराबर ऊपर आ गया 26, नीचे मार क्या हुआ करड़ी में 38, और ये जो है 81 तो बाहर निकल जाएगा, 9 बन जाएगा। तो ये था मार्ड के अंदर, मार्ड के अंदर से निकालोगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस तो पहले से है तो प्लस बनाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या बराबर, ये तो गलत हो गया, थीटा बराबर कास इनवर्स कितना 26/9 करड़ी में 38, 26/9 करड़ी में 38 हो गया आंसर, हो गया आंसर, यही एक कोण है, ठीक है ना, इस रेखा और इस रेखा के बीच में वही कोण है। कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को 3 बार देखे, 1 बार तो हो गया, 2 बार मेरे कहने पर और देख लो, धीरे धीरे देखना, इत्मीनान से देखना, शांति वाली जगह पे देखना, अपने घर पे देखना, चौराहे पर, चाय की दुकान पर, चाट पकौड़ी चाउमीन बर्गर मोमो की दुकान पर मत देखना, अपने घर पे देखना, कॉपी पेन लेके देखना, गारंटी है समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके कल से मेरी वीडियो मत देखना।